अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब मैं आपकी कोई नहीं लगती तो क्यों भरी आपने मेरी माँ? किसने कहा कि तुम मेरी कोई नहीं लगती? तो फिर मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देती आप? क्या मायने रखता है ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र आपके लिए? रिश्ता क्या है हमारा? कभी क्यों अपने दिल की बात आप खुलकर नहीं बताते? बार बार पूछ चुकी हूँ लेकिन आप कभी नहीं बताते कि मैं आपकी कौन हूँ, क्या हूँ। क्या करिए तुम? हटाओ। इस दिए के तेल के जलने से पहले मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। मैं ये क्या पागलपन है? हाथ जल जाएगा तुम्हारा। ये जलना मुझे मंजूर है लेकिन जो आपके जवाब नहीं जानने पे मैं जल रही हूँ उसकी तकलीफ मैं सहन नहीं कर सकती। या तो आज मैं यहाँ जल के मर जाऊंगी या फिर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। आप बताइए मुझे, क्या आप दीदी से अभी भी प्यार करते हैं? इसलिए आप उसे अपने कमरे में रखे हुए? मिस्टर अग्निवंशी, आपको आज अपने दिल का हाल बताना होगा। नहीं बता सकता क्योंकि अपनी दिल की बात खुलकर रखने में मुझे डर लगता है। पिछली बार जो मेरे साथ हुआ था उस धोखे की वजह से मुझे घुटन होती है, मुझे घबराहट होती है बताने में। ठीक है, अब तुम मुझसे इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें पता कराऊंगा। तुम्हारे सवालों का जवाब मेरी और तुम्हारी बहन की कहानी में है। से शादी करोगे? वो मेरी निराश जिंदगी में एक ताजी हवा बनकर आई थी, हमेशा खुश रहती थी और मुझे भी बहुत खुश रखती थी। उसने मुझे हंसना सिखाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो इंसान शादी से भागता वो 2 महीने में शादी के लिए उसे प्रपोज कर देगा। और शादी के बाद तो मेरी जिंदगी बदल गई। नई नई शादी हुई थी तो मेरे लिए सब कुछ नया नया था और जो मैंने अपने टीनेज में नहीं किया था वो सब मैं करने लगा था उसके साथ। वो सारे पल जीने लगा था मैं।
देखते ही देखते जिंदगी एक खूबसूरत कहानी सी लगने लग गई थी मुझे, और फिर उसने मेरे ऑफिस के काम में भी दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी, और वो ऑफिस में बहुत अच्छा काम करने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ अजीब से कॉल्स आना शुरू हुए। उसका बिहेवियर चेंज होने लगा, ऐसा लगा जैसे उसका अफेयर चल रहा है। लेकिन मैंने खुद के ख्यालों को नकार दिया, और फिर मैंने अपना ध्यान मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्सेस के कंस्ट्रक्शन में लगाना शुरू कर दिया, और फिर अचानक से मेरे अकाउंट से करोड़ों रुपए कटने लगे, कभी वेंडर्स के नाम पर, कभी जमीन खरीदने के नाम पर। फिर जब मैंने पता लगाया तो वो सारे ट्रांजैक्शंस निहारिका कर रही थी, और सिर्फ पैसे के नहीं बल्कि मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस भी उसने अपने नाम कर लिए थे। निहारिका, ये सब क्या है? तुम किसे इतने पैसे ट्रांसफर कर रही हो? डार्लिंग, कमाल करते हो तुम, अभी अभी आए हो और इतने सारे सवाल जवाब कर रहे हो। थोड़ा रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। और जब जब मैंने उससे पैसों के बारे में सवाल पूछा तो उसने मुझे जवाब दिया कि वो टैक्स बचाने के लिए सब कर रही है। फिर मैंने सोचा कि अगर उसने मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस अपने नाम पर कर भी लिए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आफ्टर ऑल वो मेरी पत्नी है। पर इस बार मैंने उस पर पूरा भरोसा नहीं किया। मैं उस पर नजर रखने लगा, उसके मैसेजेस पढ़ने लगा, उसके फोन से मुझे पता चला कि किसी जिगर नाम के लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा है। उसने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं की, उसे जानबूझकर मेरी जिंदगी में भेजा गया था मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए। मैंने उस नंबर को ट्रेस किया लेकिन जिगर का कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैंने उसके पीछे अपने डिटेक्टिव्स लगा दिए। लेकिन फिर भी मैं उस जगह तक नहीं पहुंच पाया। निहारिका का सच जानकर मेरे सर पर उसको मारने का जुनून सवार हो गया, और गुस्से में उसे खत्म करना चाहता था। भाभी, थैंक यू। आपका गिफ्ट ना मुझे बहुत पसंद आया, बहुत प्यारी ड्रेस है। उस दिन तो तारा ने बचा लिया उसे, और तारा को भी उसका सच पता चल गया था। इनफैक्ट तारा ने उस जगह को भी देख लिया था, और वो मेरे पास बताने आ ही रही थी कि निहारिका ने तारा पर हमला किया, उसे जान से मारने की कोशिश की, तो ऐन वक्त पर मैं पहुंच गया था इसलिए उसकी जान बच गई। लेकिन सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मैंने अपनी बहन को खो दी, और आज तारा इस हालत में बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करती है। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। इतने सब हादसों के बाद मेरे सर पर उसे मारने का जुनून सवार हो गया, और जब मुझे पता चला कि वो फार्म हाउस पर, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उसे वहां पर जाकर उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी। वहां पर उन्हें एक लड़की की लाश मिली, और उस लड़की के चेहरे पर, पूरे शरीर पर खंजर के इतने निशान थे कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया। लेकिन उसके पास एक पर्स मिला, और उस पर्स में पलक की आईडी थी, तो पुलिस को लगा कि मैंने ही पलक का खून किया।
मुझे पता था कि वो जिंदा है और मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। वो चाहती थी कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, लेकिन मैं जेल से तो बच गया। और उसके बाद पागलों की तरह मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि उसका असली नाम निहारिका है और वो तुम्हारी बहन है। और उसे बिल से बाहर निकालने के लिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने माना महक कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, लेकिन पिछली बार प्यार की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे, इसलिए वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। मैंने सोचा था कि मैं दोबारा प्यार में नहीं पड़ूंगा, मैं अपना मकसद पूरा करूंगा, लेकिन इस दिल पर किसी का जोर कहां चलता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पाया। मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाता हूं, मेरे दिल में, मेरी धड़कन में, मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरी सारी परवाह, मेरी सारी भावना सिर्फ तुमसे जुड़ी। मेरा भी सब कुछ आपसे ही जुड़ा हुआ है मिस्टर अग्निवंशी। मेरी दुनिया सिर्फ आप है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्ता। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।